नमस्कार, डेस्टनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले जुपिटर के ट्रांजिट। जी हाँ, जुपिटर का ट्रांजिट अभी इस मई 2024 में टॉरस में होने वाला। तो टॉरस राशि में जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो अलग अलग असेंडेंट या लग्नों के हिसाब से क्या रिजल्ट मिलेंगे, आज उस पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु ये स्लो मूविंग प्लैनेट, लंबे समय तक एक साइन या राशि में रहते, तो इनका ट्रांजिट स्ट्रांग इम्पैक्ट डालता है नेटिव। तो जुपिटर जो है एक साल तक एक राशि में रहता है, तो लास्ट 1 ईयर से वो एरीज में ही ट्रांजिट कर रहा था, मेष राशि। अब वो मई 2024 में टॉरस यानी वृषभ राशि में जाने वाला। तो टॉरस राशि आपके चार्ट के जिस हाउस में होगी, अलग अलग असेंडेंट के हिसाब से, और जुपिटर किस किस हाउस का लॉर्ड है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिले। अब ये ट्रांजिट आप लगन और मून चार्ट दोनों से चेक कीजिए, दोनों से ही आपको रिजल्ट मिलते हुए। सबसे पहले बात करते हैं एरीज लगन वालों की। एरीज लगन वालों के लिए टॉरस सेकंड हाउस में आता है, तो जुपिटर सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर आपके फॉर्च्यून का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। सेकंड हाउस फैमिली और वेल्थ का है, वेल्थ का एक्सपेंशन कर सकता है, फैमिली का एक्सपेंशन कर सकता है। जैसे कि आपके मैरिज का योग बन रहा हो या चाइल्ड बर्थ का योग बन रहा हो, तो चाइल्ड बर्थ हो जाए, मैरिज हो जाए, क्योंकि दोनों से ही फैमिली बढ़ती है। इस तरीके से वेल्थ ग्रो करेगा। इसके अलावा फूड हैबिट में एक्सपेंशन, ज्यादा खाने लगे आप। अब जुपिटर एरीज लगन वालों के लिए नाइन्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड होता है, तो नाइन्थ लॉर्ड होकर सेकंड में गया, तो नाइन्थ हाउस फादर का है, फादर से वेल्थ गेन होना। या नाइन्थ हाउस क्या है, गुरु का, गाइडेंस का, किसी गाइडेंस गुरु या मेंटर की एडवाइस से आपको वेल्थ गेन होना। नाइन्थ हाउस तीर्थ यात्रा का, तो नाइन्थ लॉर्ड होके सेकंड में गया, तो सेकंड हाउस फैमिली का है, नाइन्थ हाउस तीर्थ यात्रा का, तो फैमिली में तीर्थ यात्रा होना, रिलीजियस ट्रेवल होना। ट्वेल्थ लॉर्ड भी है जुपिटर, ट्वेल्थ लॉर्ड होके सेकंड हाउस में आ गया, आप कोई ऐसा काम करते हैं, एमएनसीज में जॉब करना या फॉरेन रिलेटेड कोई बिजनेस है इस तरीके से, तो फॉरेन क्लाइंट या फॉरेन से वेल्थ गेन होना। बट ट्वेल्थ लॉर्ड होके सेकंड में गया, तो ट्वेल्थ हाउस खर्चों का है, सेकंड हाउस वेल्थ का है, तो एक्सपेंसेस बढ़ा देगा आपके, या इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा है, ये समझ सकते। इसके अलावा आप देखिए कि सेकंड हाउस ना, सेकंड हाउस नाइन्थ से सिक्स्थ है, तो नाइन्थ हाउस फादर का है, सिक्स्थ हाउस डिजीज का है, तो फादर को हेल्थ ट्रबल दे सकते। और साथ ही साथ जुपिटर जो है एरीज वालों के लिए नाइन्थ का लॉर्ड है और ट्वेल्थ का लॉर्ड है, और जब सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो, तो सेकेंड हाउस से एट्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। एट्थ हाउस नाइन्थ से ट्वेल्थ है, फादर के हॉस्पिटल और खर्चों का, और सेकेंड हाउस नाइन्थ से सिक्स्थ है, फादर के लिए डिजीज का, तो फादर को हेल्थ ट्रबल देना, फादर की बीमारी पे खर्चा होना, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि स्कॉर्पियो राशि एट्थ हाउस में आ रही है एरीज वालों। इस समय एरीज असेंडेंटली स्कॉर्पियो हाईली एक्टिव, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर दोनों की दृष्टि स्कॉर्पियो पे पड़ रही, तो एट्थ हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से हो सकता है आप इंपल्सिव होकर कोई डिसीजन लें और मिस्टेक करें, कोई ऐसी लंबी बीमारी हो सकती है जो जल्दी डायग्नोस ना हो एरीज असेंडेंट वालों, पाइल्स, फिस्टुला, कुछ भी इस तरीके से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, साधना, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी सीखना, ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा एरीज वालों का अगले एक साल में। तो ये रिजल्ट पूरा आपको एरीज लगन वालों के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड, टॉरस असेंडेंट। तो आपका टॉरस असेंडेंट है या मून साइन है, तो जुपिटर लगन में ट्रांजिट कर रहा है, तो लगन क्या करेगा, आप लगन आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि बढ़ाएगा, इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ाएगा। लगन आपका फिजिक है, आपकी बॉडी का वेट बढ़ना, भाई बॉडी में एक्सपेंशन करेगा। लेकिन टॉरस वालों के लिए जुपिटर एट्थ और इलेवंथ का लॉर्ड होता है, तो एट्थ लॉर्ड होकर लगन में गया, तो हेल्थ ट्रबल देगा आपको, ऐसी बीमारी जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाएगी या बार बार आपको परेशान करेगी, क्योंकि एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का। एट्थ लॉर्ड होके लगन में गया है जुपिटर, टॉरस वालों के लिए तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, अप्स एंड डाउन देना, अगर चार्ट में योग बन रहे हैं डिप्रेशन के, आइसोलेशन के दिन, ऐसा इंसान आइसोलेशन की तरफ जा सकता है, डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। अगर साधना स्पिरिचुअलिटी की योग है, तो इस समय ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी, साधना, मेडिटेशन, इस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मिस्टिक साइंसेस की तरफ। लाइफ में अनप्लान तरीके से इवेंट होंगे, क्योंकि एट्थ हाउस सडन इवेंट्स का है। इलेवेंथ लॉर्ड भी है जुपिटर, तो इलेवेंथ लॉर्ड होके लगन में गया, तो इलेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, इलेवेंथ हाउस लंबी चलने वाली बीमारी का, बट इलेवेंथ हाउस विश फुलफिलमेंट का, तो इलेवेंथ लॉर्ड होके लगन में गया, कोई डीप डिजायर ऐसी हो जो पूरी हो जाए, इस तरीके से। इलेवेंथ लॉर्ड लगन में गया है, तो जैसा मैंने कहा एट्थ और इलेवेंथ दोनों का लॉर्ड आपको फ्रेंड से कहीं ना कहीं डिटैच करेगा, क्योंकि इलेवेंथ लॉर्ड आपका फ्रेंड सर्कल, एट्थ हाउस डिटैचमेंट का। बट इलेवेंथ लॉर्ड होके लगन में आना आपको वेल्थ गेन के लिए अच्छा है, इनकम बढ़ेगी, वेल्थ गेन होना, इंक्रीमेंट होना,
साथ ही साथ टॉरस वालों के लिए स्कॉर्पियो 7th हाउस में आता है जो हाईली एक्टिव। तो स्कॉर्पियो पे सैटर्न जुपिटर दोनों का आस्पेक्ट होने की वजह से रिलेशनशिप का चांस बनना, कोई नया रिलेशन आना लाइफ, मैरिज के योग बन रहे हैं तो मैरिज का टाइम चल रहा है तो मैरिज भी हो सकती है, ये आप देख सकते। और वही जुपिटर ना 11th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस 4 से 8 और टॉरस लगन में जाके बैठा है, तो टॉरस 4 से 10 है, तो 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, तो मदर को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, स्पेशली पैरों में ज्वाइंट पेन, पैरों में दर्द, नी ज्वाइंट में पेन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके अलावा 8th का लॉर्ड है, तो 8th हाउस जो है 9 से 12 है, फादर को, फादर के खर्चे बढ़ा सकता है, फादर को डाइजेशन का प्रॉब्लम दे सकता है। तो टॉरस लगन वालों के लिए ये रिजल्ट आपको जुपिटर देने वाला है। अब बात कर लेते हैं जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई असेंडेंट की अगर बात करें तो जेमिनाई वालों के लिए जुपिटर जो है 7th का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है, ये 2 हाउस रूल करता है। तो जेमिनाई लगन और जेमिनाई मून साइन वालों के लिए आप रिजल्ट चेक कीजिए। तो जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहा है 12th हाउस, टॉरस राशि 12th हाउस में आते हैं, तो 7th लॉर्ड होके 12th में ट्रांजिट कर रहा है और 10th लॉर्ड होके 12th में ट्रांजिट कर रहा है। तो पहली बात तो 12th में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो 12th हाउस एक्सपेंशन का है, तो ऐसा इंसान ज्यादा पैसे खर्च करेगा, एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, कंफर्ट लग्जरी पे खर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ 7th हाउस का लॉर्ड होकर 12th में जा रहा है, 7th हाउस रिलेशनशिप का है, 7th हाउस मैरिड लाइफ का है, तो हो सकता है मैरिज के योग बन रहे हैं, तो फॉरिन में मैरिज होना, फॉरिन पार्टनर मिलना, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो 12th हाउस 7 से 6 तक फादर, सॉरी पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपकी वाइफ या हस्बैंड को कोई हेल्थ ट्रबल होना, उस पर खर्चा हो रहा हो। 10th लॉर्ड होके 12th में गया, फॉरेन से करियर की अपॉर्चुनिटीज आना, ये भी हो सकता है, करियर में बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़े, भाग दौड़ करना पड़े, क्योंकि 12th हाउस जो है 10 से 3 है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप चेक करेंगे जो 12th हाउस है वो 4 से 9 है, तो मदर तीर्थ यात्रा पे जा सकती हैं, रिलीजियस ट्रेवल कर सकती हैं, ये हो सकता है आप चार्ट में चेक करेंगे। अगर आप चेक करें तो जेमिनाई वालों के लिए स्कॉर्पियो हाईली एक्टिव, तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि 12th हाउस 7 से 6 और 8th हाउस जो है, सॉरी स्कॉर्पियो जो है लगन से 6th हाउस में राशि, जो कि हाईली एक्टिव है सैटर्न और जुपिटर की दृष्टि से, तो नेटिव को लोअर बैक में पेन, डाइजेशन का प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े या लव रिलेशन में ब्रेकअप, ये स्ट्रॉन्ग चांस इंडिकेट कर रहा है जुपिटर का ट्रांसिट। तो ये रिजल्ट आपको मिलेंगे जेमिनाई लगन वालों के लिए या जेमिनाई मून साइन वालों के। अब इसके बाद बात करते हैं कैंसर असेंडेंट, कैंसर असेंडेंट के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 11th हाउस में, 11th हाउस गेन का है, इनकम का, इनकम बढ़ाएगा लेकिन आपकी इच्छाएं भी बढ़ा देगा, विश फुलफिलमेंट करेगा, बट 6th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर और 9th का लॉर्ड, तो 6th लॉर्ड होके अगर 11th में जा रहा है तो जॉब में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से गेन, लेकिन 6th लॉर्ड होके 11th हाउस में जा रहा है जुपिटर, तो 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का है, 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का, इनसे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ये आप समझ लें। 9th लॉर्ड होके 11th में गया, तो 9th हाउस तीर्थ यात्रा का, 11th हाउस डिजायर या विश फुलफिलमेंट का है, कोई आपके रिलीजियस ट्रेवल को लेके कोई इच्छा रही हो, पहले तीर्थ यात्रा जाना है, मंदिर ट्रेवल करना है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप देखें कि कैंसर वालों के लिए 5th हाउस में स्कॉर्पियो आता है, उस पर सैटर्न जुपिटर दोनों के आस्पेक्ट पड़, तो इस समय डाइजेशन का प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये हो सकता है। इसके अलावा जब 5th हाउस एक्टिव है तो 5th हाउस 10 से 8 है, तो करियर में चेंजेस, ये होने के स्ट्रॉन्ग चांस, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, वर्कलोड बढ़ जाए, कोई नया अपॉर्चुनिटी आ जाए, ये सारा स्ट्रांगली इंडिकेट कर कैंसर असेंडेंट वालों। और कैंसर वालों के लिए जुपिटर जो है 9th और 6th का लॉर्ड, 6th हाउस एक्टिवेटेड और 9th हाउस एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ में, अगर आप मैरिड है तो ट्रबल आ सकता है, क्योंकि 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट, डिवोर्स, कोर्ट केस का है, 9th हाउस लीगैलिटी ऑफ मैरिज, तो मैरिज की लीगैलिटी पे इफेक्ट करना पड़ना, ये सारे चांसेस हैं। तो कैंसर असेंडेंट वालों को चाहिए कि रिलेशनशिप को लेके बहुत संयम बरतें, अदरवाइज प्रॉब्लम होने के चांसेस। और बच्चों 5th हाउस एजुकेशन का है, कुछ नया सीखना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नई हॉबीज परस्यू करना, ये हो सकता है बच्चों की लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट होना। इसके साथ साथ आप देखिए बच्चों की एजुकेशन को लेके, बच्चों के हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि 5th हाउस बहुत एक्टिव है। कैंसर असेंडेंट वाले जिनका चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है,
अगर वो प्लान कर रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस। इसके बाद आ जाता है लियो असेंडेंट। लियो असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपका 10th हाउस में। 10th हाउस करियर का होता है, करियर का एक्सपेंशन का, ठीक। और जुपिटर लॉर्ड किसका है, 5th हाउस का और 8th हाउस का। तो 8th हाउस ब्रेक और चेंज का होता है, 5th हाउस 10th से 8th है, करियर में ब्रेक और चेंजेस का, न्यू अपॉर्चुनिटीज का। तो 5th और 8th लॉर्ड होके जुपिटर 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा, करियर में चेंज आना, वर्क प्लेस पे कोई चेंज होना, कोई नया अपॉर्चुनिटी आना, ये सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो करियर के थ्रू भाग्य वृद्धि, करियर में एक्सपेंशन, ग्रोथ। 10th हाउस जो है आपके 9th से 2nd फादर की वेल्थ ग्रो करेगी आपके। और 5th लॉर्ड होके जुपिटर 10th में ट्रांजिट कर रहा है तो 10th हाउस 5th से 6th है, तो बच्चे को कोई हेल्थ ट्रबल हो सकता है, बच्चे को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। 8th लॉर्ड होके अगर 10th में आ रहा है तो 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का है, 5th हाउस डाइजेशन का है, तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। 10th हाउस पैरों का है, पैरों में दर्द, नी ज्वाइंट का प्रॉब्लम, ये हो सकता है। लियो वालों के लिए 4th हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव है, तो प्रॉपर्टी का प्लान करना, गाड़ी के लिए प्लान करना, उनकी इच्छा होगी प्रॉपर्टी खरीदने में। एक दो लियो वालों को जानता हूँ जो पूछ रहे हैं कि सर प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्या, इस समय गाड़ी ले सकते हैं, घर का रेनोवेशन कराना, ये सारी चीजें स्ट्रांगली मिलेंगी। मदर में, मदर को हेल्थ ट्रबल आ सकते हैं तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, मदर को रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी इशू हो सकते हैं। तो लियो लगन और लियो मून साइन दोनों के लिए आपको ये ट्रांजिट मिलेगा रिजल्ट देते। अब इसके बाद बात करते हैं आपके लिए वर्गो असेंडेंट की, वर्गो के लिए क्या हो सकता है। लियो के लिए आप एक चीज और ध्यान रखिए, लियो के लिए 5th हाउस 9th से 11th है, तो और जुपिटर जो है 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो 10th हाउस 9th से 2nd, ठीक। तो फादर को, फादर की इच्छा पूर्ति, फादर की इनकम बढ़ना, फादर की वेल्थ ग्रो करेगी, और फादर इन्वेस्टमेंट करेंगे पर साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, ये भी आप समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर जो 9th से 9th है, आप समझ जाए। उसके अलावा 8th का लॉर्ड जो 9th से 12th है, और टॉरस में ट्रांजिट कर रहा है 10th हाउस में जो 9th से 2nd है, इससे फादर की वेल्थ और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्गो असेंडेंट की। वर्गो लगन या मून साइन वालों के लिए टॉरस जो है 9th हाउस में, तो जुपिटर 7th का लॉर्ड हो गया, और थर्ड जुपिटर जो है 7th का लॉर्ड हो गया, 4th लॉर्ड हो गया, ठीक। तो 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो तीर्थ यात्राएं कराएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, गुरु के थ्रू, फादर के थ्रू फॉर्च्यून सपोर्ट करना है, ग्रो करना, गुरु मिलना, गुरु के एडवाइस मिलना। इसके अलावा आप देखिए 7th लॉर्ड होके 9th में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। 7th लॉर्ड होके 9th में ट्रांजिट कर रहा है, आप मैरिज के लिए सर्च कर रहे हैं, पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो आपको पार्टनर मिल सकता है। इस समय 9th हाउस 7th से 3rd है, नेटिव जो है मैरिज के लिए बहुत एफर्ट लगाएगा, रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लगाएगा, बिजनेस के लिए एफर्ट लगाएगा, ठीक है। 9th हाउस 7th से 3rd है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो 3rd हाउस ट्रैवल का होता है, पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम की वजह से या इन जनरल। और 9th हाउस तीर्थ यात्राओं का, तो तीर्थ यात्रा भी करवा देगा आपके हस्बैंड या वाइफ को। 4th हाउस का लॉर्ड होके 9th में जा रहा है, तो अपने से 6th में जा रहा है, तो मदर को हेल्थ ट्रबल, डाइजेशन का प्रॉब्लम, लोअर बैक में प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ की वजह से फादर परेशान होंगे। इसके अलावा वर्गो वालों के लिए स्कॉर्पियो 3rd हाउस में आ रहा है, जो हाईली एक्टिव है सैटर्न और जुपिटर के गोचर से, तो वर्गो वाले को खुद भी बहुत सारे ट्रेवल करने पड़ सकते हैं, किसी काम के लिए बार बार एफर्ट लगाना पड़ सकता है, वीजा, किसी तरह का डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, पीआर के लिए ट्राई कर सकते हैं, करेंगे इस पीरियड में, तो आपको वीजा मिलना, डॉक्यूमेंट कोई अप्रूव होना, पीआर मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगर 3rd हाउस एक्टिव है इस समय, क्योंकि उस समय सैटर्न और जुपिटर दोनों स्कॉर्पियो पे दृष्टि डाल, ये समझ जाए। और इसके साथ साथ 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों, तो 3rd हाउस एक्टिव होने की वजह से छोटे भाई बहनों को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और 3rd हाउस आपके नेक और शोल्डर का, तो वर्गो वालों को खुद नेक या शोल्डर में पेन, नेक या शोल्डर का प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ईयर्स में ट्रबल, या ईयर रिलेटेड इशू हो सकते। इसके बाद आ जाते हैं योग या वर्गो असेंडेंट और मून साइन, लिब्रा असेंडेंट या मून साइन वालों, ठीक। अगर आप लिब्रा वालों के लिए देखें ना, तो लिब्रा वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 8th हाउस, क्योंकि टॉरस राशि 8th हाउस में आती है, जुपिटर खुद लॉर्ड है 6th हाउस का और 3rd हाउस का, तो आप ये समझ जाएं कि 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नेटिव साधना, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक।
सिक्स लॉर्ड होके एट्थ में ट्रांजिट कर रहा है, तो ऐसा कोई हेल्थ ट्रबल दे सकता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो। लोअर बैक में प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम आपको दे सकता है, बैक पेन दे सकता है। सिक्स लॉर्ड होके एट्थ में ट्रांजिट कर रहा है, जॉब में ब्रेक या अप्स एंड डाउन भी दे सकता है। और सिक्स के साथ साथ थर्ड लॉर्ड भी है, तो सिक्स और थर्ड लॉर्ड, सिक्स हाउस जॉब का हो गया, एट्थ और थर्ड हाउस ना जॉब में आपको ट्रबल देते हैं। तो सिक्स लॉर्ड होके एक तो एट्थ में चला गया जुपिटर, ऊपर से थर्ड लॉर्ड भी है, तो वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट, चेंज और ब्रेक होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस। थर्ड लॉर्ड होके एट्थ में जा रहा है, तो एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, थर्ड हाउस आपका जो है यंगर सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों को हेल्थ ट्रबल, इमोशनल अप्स एंड डाउन ये फेस करने पड़ सकते। थर्ड हाउस आपके शोल्डर, नेक और इसका भी है, शोल्डर और नेक में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लिब्रा असेंडेंट या मून साइन का। ठीक, तो ये सारे रिजल्ट आपको लिब्रा असेंडेंट या मून साइन के केस में आपको। और लिब्रा वालों के लिए स्कॉर्पियो प्रोमिनेंटली एक्टिव है, क्योंकि स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में आ रहा है, उस पर सैटर्न और जुपिटर की दृष्टि पड़ रही, तो फैमिली एडिशन होना, मैरिज का योग चल रहा है, तो मैरिज हो जाना या चाइल्ड बर्थ हो जाना, वेल्थ गेन होना, इस तरीके की चीजें, इनकम बढ़ना। लेकिन फूड हैबिट का ध्यान रखें, फूड हैबिट की वजह से हेल्थ ट्रबल आ सकता है। ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना, ज्वेलरी खरीदना, ये सारी चीजें लिब्रा वालों के लिए। इसके बाद आता है आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट। ठीक है, स्कॉर्पियो वालों के लिए आप देखें तो टॉरस सेवंथ हाउस में आ रहा है, सेवंथ हाउस एक्टिव है, और जुपिटर लॉर्ड किसका है, सेकंड हाउस का और फिफ्थ हाउस का, तो सेकंड लॉर्ड होके सेवंथ में जा रहा है और फिफ्थ लॉर्ड होके जुपिटर सेवंथ में जा रहा है, तो लव रिलेशनशिप स्टार्ट होना, लव रिलेशन है तो मैरिज में कन्वर्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस। ठीक, और सेकंड लॉर्ड होके सेवंथ में जा रहा है, फिफ्थ लॉर्ड होके सेवंथ में जा रहा है, जैसा मैंने कहा कि लव रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप का मैरिज में कन्वर्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस। सेकंड लॉर्ड होके सेवंथ में जा रहा है, आप मैरिड हैं तो स्पाउस के थ्रू वेल्थ गेन होना, या हो सकता है आपका मैरिज होने वाला हो तो उसके थ्रू वेल्थ गेन होना, ये भी चांसेस। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड होके सेवंथ में जाना बहुत अच्छा नहीं, अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ये समझें। और स्कॉर्पियो वालों के लिए ना, लेकिन स्कॉर्पियो वालों के लिए लगन हाईली एक्टिव, उस पर सैटर्न जुपिटर का ट्रांजिट हो, दृष्टि डाल रहे हैं सैटर्न और जुपिटर ट्रांजिट के, तो हेल्थ को लेके खास ध्यान रखें, हेल्थ ट्रबल हो सकते और मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि लगन और सेवंथ हाउस एक्टिव हो तो मैरिज या रिलेशनशिप होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। तो अगर आपके चार्ट में योग बन रहे हैं या चार्ट में योग है, तो मैरिज या रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी लॉन्ग टर्म रिलेशन, ये स्कॉर्पियो वालों के लिए। सेकेंड लॉर्ड होके सेवंथ में जाना ना आईज में भी प्रॉब्लम दे सकता है स्कॉर्पियो वालों, तो ये भी ध्यान। इसके बाद आ जाते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट या मून साइन। सेजिटेरियस वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो हो रहा है वो हो रहा है आपका सिक्स हाउस में, लगन लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है, तो लगन लॉर्ड का सिक्स में ट्रांजिट करना हेल्थ इश्यू देने देगा बहुत ज्यादा। ऐसा ऐसे समय पे नेटिव बहुत ज्यादा अपने डेली रूटीन को लेकर फोकस होगा कि अपना डेली रूटीन कैसे सुधारें, बट होता क्या है जुपिटर थोड़ा लेजीनेस देता है, तो सोचते रहते हैं सुबह जल्दी उठना है, डेली रूटीन मेंटेन करना है, योग करना है, बट कर नहीं पाते। लगन लॉर्ड होके सिक्स हाउस में जा रहा है तो हेल्थ ट्रबल देगा, हेल्थ का ध्यान रखिए। फोर्थ लॉर्ड होके सिक्स में जा रहा है, चेस्ट, लंग्स या हार्ट का प्रॉब्लम दे सकता है। फोर्थ लॉर्ड होके सिक्स में जा रहा है, मदर से कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर्टी, गाड़ी के लिए लोन ले सकता है, ऐसा नहीं। और सिक्स हाउस में जा रहा है, आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको लोन मिल सकता है। स्कॉर्पियो इनके ट्वेल्थ हाउस में आता है, तो हाईली एक्टिव है, ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होने पर फॉरिन ट्रेवल हो सकता है सेजिटेरियस वालों का, या लगन या मून साइन वालों का, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। देखिए, जब ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होता है ना, केवल खर्चे नहीं बढ़ते, पैसा आता भी है, क्योंकि जब खर्चा होगा तभी तो आएगा, लेकिन जब आता है उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से खर्च भी होता है, या नेटिव बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ट्रांजिट जो हो रहा है वो सिक्स हाउस में हो रहा है, तो ये सेजिटेरियस लगन और मून साइन वालों। और सेजिटेरियस वालों के लिए ट्वेल्थ हाउस एक्टिव है, फोर्थ से नाइन्थ, ठीक है, फोर्थ से नाइन्थ है ट्वेल्थ हाउस, जहां पे स्कॉर्पियो राशि आ रही, तो उस पर सैटर्न जुपिटर दोनों का एस्पेक्ट होने की वजह से मदर तीर्थ यात्रा पे जा सकती है, रिलीजियस ट्रेवल कर सकती है, फादर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी परचेज इन सब में बढ़ सकता है, या प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस नाइन से फोर्थ है फादर की प्रॉपर्टी। इसके बाद आ जाते हैं मकर राशि या मकर लगन। तो अगर कैप्रिकॉन वालों के लिए आप देखें तो जुपिटर का ट्रांजिट फिफ्थ हाउस में हो रहा है, जुपिटर थर्ड का लॉर्ड है और ट्वेल्थ का लॉर्ड, तो फिफ्थ हाउस में हो रहा है, तो अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा थर्ड लॉर्ड होके फिफ्थ में जा रहा है ना, थर्ड हाउस एफर्ट का, ऐसे नेटिव को, ऐसा नेटिव इस समय एफर्ट करेगा चाइल्ड बर्थ के लिए, एफर्ट लगाए,
थर्ड लॉर्ड होके फिफ्थ में जा रहा, कोई नई हॉबी सीखना, फिफ्थ हाउस एजुकेशन का थर्ड हाउस हॉबीज का, कोई नई हॉबी, कोई नई चीज सीखना, न्यू लर्निंग प्रोसेस। ट्वेल्थ लॉर्ड होके फिफ्थ में जा रहा है, तो ट्वेल्थ हाउस क्या होता है, फिफ्थ से एट्थ है, तो आपके बच्चे को हेल्थ ट्रबल हो सकता है, बच्चे के साथ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का प्रॉब्लम होना, बच्चे को कोई हेल्थ इशू होना, ये ध्यान। इसके अलावा ट्वेल्थ लॉर्ड होके फिफ्थ में जा रहा है, एजुकेशन पे खर्चा, बच्चों पे खर्चा करवाएगा, कुछ नया सीखने पे आप खर्च कर सकते। ट्वेल्थ लॉर्ड होके फिफ्थ में क्या, बच्चे अगर बड़े हैं तो फॉरिन जा सकते हैं, उस पर आपका पैसा खर्च होगा। लेकिन थर्ड लॉर्ड होके भी फिफ्थ में जा रहा है, तो थर्ड लॉर्ड होके फिफ्थ में जा रहा है, तो थर्ड हाउस क्या है आपका, थर्ड हाउस स्किल का है, तो नई स्किल ग्रो करेगी, कुछ नई स्किल सीखना, वही थर्ड हाउस फिफ्थ से इलेवेंथ हो, तो बच्चे के लिए गेन का हाउस है, तो बच्चे के ऊपर खर्चा तो करेंगे बट बच्चे का उससे लाभ होगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा या जो भी करेगा। इसके अलावा कैप्रिकॉन वालों के लिए स्कॉर्पियो राशि जो आ रही है वो आ रही है इलेवेंथ हाउस, तो ओवरऑल सैटर्न जुपिटर का ट्रांजिट इलेवेंथ हाउस से पड़ रहा है, इनकम, सैलरी बढ़ना, विश फुलफिलमेंट, कोई इच्छा है वो पेंडिंग वो पूरी हो जाएगी, इनकम में बढ़ोतरी होना, लाभ का हाउस, तो लाभ होगा। लेकिन चूंकि इलेवेंथ हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव है, वो फोर्थ से एट्थ है, तो मदर को कोई ना कोई हेल्थ ट्रबल दे सकता है, इसलिए मदर की हेल्थ का ध्यान। और वो इलेवेंथ हाउस नाइन्थ से थर्ड है, तो फादर को भी इस 1-2 सालों में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हर काम के लिए बहुत एफर्ट लगाना, बहुत भाग दौड़ होना। तो ये हो गया कैप्रिकॉन लगन या मून साइन वालों के। उसके बाद आ जाते हैं एक्वेरियस असेंडेंट या मून साइन। एक्वेरियस वालों के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है फोर्थ हाउस में, और ट्वेल्थ का लॉर्ड एक्वेरियस, सॉरी सेकेंड हाउस का लॉर्ड एक्वेरियस लगन और मून साइन वालों के लिए, क्योंकि सेकेंड हाउस में पाइसिस आता है, ठीक। और इसके साथ साथ आपका इलेवेंथ का लॉर्ड, इलेवेंथ हाउस में सेजिटेरियस आ गया, तो सेकेंड और इलेवेंथ दोनों वेल्थ के हाउसेस को रूल कर रहा है जुपिटर। तो आप ये समझ जाइए कि लाभ तो होना, इनकम बढ़ना, वेल्थ ग्रो करना, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और ट्रांजिट कहाँ कर रहा है, फोर्थ हाउस में, सेकेंड और इलेवेंथ का लॉर्ड होके फोर्थ में ट्रांजिट कर रहा है, हो सकता है प्रॉपर्टी के रूप में आपकी वेल्थ बढ़े, आप प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, गाड़ी खरीदें, गाड़ी भी एक तरह का वेल्थ एसेट ही है, इससे आपको लाभ देगा। तो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। बट ये ध्यान रखिए, इलेवेंथ और क्या बोलते हैं सेकंड का लॉर्ड है और फोर्थ में ट्रांजिट कर रहा है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए, मदर को हेल्थ ट्रबल हो सकते हैं, स्पेशली पैरों में प्रॉब्लम, पैरों में दर्द या पाइल्स का इशू, इस तरीके से। और एक्वेरियस वालों के लिए जो फोर्थ हाउस है ना, फोर्थ हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा, तो नाइन्थ से एट था, तो फादर की हेल्थ का भी खास ध्यान रखें, फादर को भी कोई क्रॉनिक डिजीज या लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती। अब स्कॉर्पियो कहाँ आ रहा है, स्कॉर्पियो इनके 10th हाउस में, जिसपे सैटर्न जुपिटर दोनों का ट्रांजिट दृष्टि पड़ रहा है, ट्रांजिट के सैटर्न और जुपिटर का, तो स्कॉर्पियो हाईली एक्टिव होने की वजह से करियर में चेंज, करियर में नई अपॉर्चुनिटी या करियर की वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा स्कॉर्पियो फोर्थ से सेवेंथ है, तो मदर को रिप्रोडक्टिव पार्ट में इशू हो सकता है, किडनी, रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रॉब्लम, जबकि स्कॉर्पियो 10th हाउस में आता है, 10th हाउस नाइन्थ से सेकेंड है, तो फादर की वेल्थ के लिए अच्छा है, फादर का वेल्थ बढ़ेगा, वो सारी चीजों। तो ये एक्वेरियस लगन और मून साइन वालों के लिए आप चेक। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट लगन के ऊपर, पाइसीज। पाइसीज लगन या मून साइन वालों के लिए जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहा है वो इस समय कर रहा है आपका थर्ड हाउस, क्यों, क्योंकि टॉरस राशि थर्ड हाउस में आएगी, तो थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा, लगन का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड, तो लगन लॉर्ड होके थर्ड में जा रहा है, तो ऐसे समय में ना पाइसीज वालों को हर काम के लिए बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक बार में काम होगा ही नहीं, मल्टीपल एफर्ट। 10th लॉर्ड होके थर्ड में जा रहा है, तो वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट, करियर में चैलेंजेस, करियर में चेंज होने का स्ट्रॉन्ग चांस है, ठीक है। लगन भी आपकी ओवरऑल आइडेंटिटी, करियर सबको रिलेट कर, या 10th लॉर्ड होके थर्ड में जा रहा है, तो करियर की वजह से बहुत भाग दौड़ रहेगी, बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा आपको काम की वजह से, ठीक। अब थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है 10th लॉर्ड होके, तो 10th हाउस थर्ड से एट, तो नेटिव की लाइफ, सॉरी नेटिव के जो छोटे भाई बहन होंगे उनकी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन रहेगा, करियर में ब्रेक, करियर में चेंजेस, बहुत अप्स एंड डाउन होना, कोई हेल्थ ट्रबल होना जो लंबा चल जाए, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी होना, छोट यंगर सिबलिंग्स को, पाइसीज असेंडेंट वालों के लिए, ठीक। और इसके साथ साथ पाइसीज वालों के लिए जो स्कॉर्पियो राशि आ रही है वो 9th हाउस में आ रही है, जो हाईली एक्टिव है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगी, तीर्थ यात्रा करा सकती है, रिलीजियस ट्रेवल करा सकती है, बट फादर का ध्यान रखना पड़ेगा, फादर को हेल्थ ट्रबल हो सकते हैं और मदर को, क्योंकि 9th हाउस फोर्थ से सिक्स्थ है, तो मदर को डाइजेशन का प्रॉब्लम, लोअर बैक में पेन, ये हो सकता है,
फादर को भी हेल्थ ट्रबल हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अलग अलग एसेंडेंट जो 12 लगन या मून साइन के हिसाब से जुपिटर टॉरस में किस हाउस में ट्रांजिट करेगा उनके चार्ट के हिसाब से, वो हमने आज कवर किया। तो आप अपने अपने चार्ट में इसको चेक कीजिए और अपना फीडबैक शेयर। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप लोगों की, मई में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो आपके लिए गिफ्ट, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ लगन है, ये आपके लिए जो गिफ्ट है, किसी भी हाउस में आपका जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, आपको एक गिफ्ट मिलेगा कि नौमांस चार्ट के ऊपर हम फ्री क्लासेस ला रहे हैं, 3 डे का फ्री क्लास, जो 3rd मई से 5th मई तक होगा 2024, यानी नेक्स्ट मंथ। क्लासेस होंगी 9 PM से 11 PM तक रात में, और 3rd मई से 5th मई तक, जैसा मैंने बताया, और जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं, तो हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। और इसके लिए आपको जो क्लास होगी जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएगी, जूम लिंक आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, हमारे सारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको जब क्लास स्टार्ट होने वाला होगा 3rd और 5th, 3rd मई से 5th मई के बीच में, तो आपको व्हाट जूम का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसका रिकॉर्डिंग PDF फ्री क्लास का हम लोग नहीं शेयर करते, तो प्लीज लाइव ज्वाइन कीजिए, हम आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं अगर आपको फ्री क्लास देने का, तो आप भी इतना तो हमें सपोर्ट करें। और जितने हमारे पुराने स्टूडेंट वो सब जानते हैं, हमारी फ्री क्लासेस भी बिल्कुल पेड की तरह होती है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो पढ़ाएं, भले लोग हमारी पेड क्लास में आ पाए ना आ पाए, लेकिन फ्री क्लास में भी वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ये हमारा मोटिव रहता है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए, जो लोग पैसे नहीं दे सकते या जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं। थैंक यू, नमस्ते।